नमस्ते, मेरा नाम सचिन है। आप देख रहे हैं डीपी पल वॉइस। अभी हम मौजूद हैं राजगीर में और मौका है महिला विकास मंच का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जहां पे देश भर की तमाम महिलाएं आई हुई हैं बैठक में सम्मिलित होने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं महिलाओं से, जानने की कोशिश करते हैं कि महिला विकास मंच जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है उसमें क्या मुख्य मुद्दे हैं और आने वाले उनका क्या रोड मैप है। अभी हमारे साथ हैं महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी अर्णिमा जी, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी पल वॉइस में। धन्यवाद आपका। मैम, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, क्या मुद्दे हैं और आने वाले समय में महिला विकास मंच की क्या रोड मैप होने वाली है? हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। पहले तो हम लोग प्रताड़ना पे काम करते थे और हमेशा करते भी रहेंगे, लेकिन अब हर साल एक न एक विंग हम जोड़ते जाते हैं। तो चूंकि हमारा नाम है महिला विकास मंच, अब सुरक्षा के साथ विकास बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे स्वास्थ्य के प्रति हम लोग अवेयर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की हम महिलाओं को ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं। तो अगले साल के लिए हमने ये भी सोचा हुआ है, तो इसीलिए एक मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग का राह जो है ना, भले हम लोग अलग अलग जगह से हों, राह एक होता है। और एक और मुद्दा है, बहुत सारी कैरियरिस्ट लेडी होती हैं, लड़कियां हैं जो बहुत कुछ करके जब शादी होती है तो कई ऐसी जॉब कर रही होती है, कई नहीं कर रही होती है। तो फ्रस्ट्रेशन से भी ये होता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। तो उन लेडीज को भी हम लोग निकालेंगे बाहर, उनका एक ग्रुप बनाएंगे। उनके अंदर जो कला है, वो अगर जो सक्षम नहीं है महिलाओं, उन लोगों को इकट्ठा करके और किसी भी योजनाओं से, जो सरकार के कई योजना चल रहे हैं, तो वो लेडीज तो बताएंगी, और उस योजना पे उन वर्गों की लेडीज को जोड़कर अगर काम बनाएंगी तो कई लेडीज को काम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हमारी कोर कमेटी टीम की मीटिंग चल रही है, बैठकें हो रही है, और हम लोग नेक्स्ट ईयर इस चीज़ पे काम शुरू कर रहे हैं। मैं दीपशिखा सिंह, महिला विकास मंच जिला अध्यक्ष मधुबनी। मैं जयनगर की रहने वाली हूँ, मिथिला की वासी हूँ। मैं अभी महिला विकास मंच में कुछ ही दिन से मैं जुड़ी हूँ, और मैं महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर के उनके उत्थान पे भी काम करती हूँ, क्योंकि उत्पीड़न के बचाव के साथ साथ उनके उत्थान पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना। आज भी हम देखते हैं कि आज जब हम गांव के एरिया में जाते हैं और उनकी जो रहन सहन देखते हैं, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि लोग अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं। तो मैं उन जगहों पे गांव में जा जा करके बच्चियों को समझा रही हूँ कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। और ये जो प्रताड़ित वाला केस आता है, या जो भी उनके घर में जाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, लोगों को समझाती हूँ कि ऐसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी आपके घर आई है तो वो आपकी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे काउंसलिंग के तहत हम लोग उसका भी केस। मैम, आप यूथ हैं, आप कब से सोशल वर्क को लेके एक्टिव हैं? वैसे तो मैं बहुत जूनियर, मतलब क्लास 9-10 से ही मैं इन सब चीज़ों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं किसी बैनर के लिए नहीं काम कर रही थी। अभी जब मुझे बैनर के बारे में पता चला, लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसे ज्वाइन किया और मैं इस बैनर के साथ अभी काम कर रही हूँ। मेरा नाम सीमा सिंह, मैं महिला विकास मंच रोहतास की जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं वहाँ पे गरीब बच्चियों की शादी से लेकर के गरीब परिवार की मदद और बच्चियों में जागरूकता का कार्य करती हूँ। तो ये थी महिला विकास मंच से जुड़ी कुछ तमाम महिलाएं जो देश के भिन्न भिन्न कोने से आई हैं, और महिला विकास मंच को आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रयासरत है वो आपने देखा।